देश 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मना रहा है। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और पुष्प अर्पित कर बापू को श्रद्धांजलि दी और सोशल मीडिया पर लिखा कि गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूँ। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा के भाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं इसके अलावा पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद किया और कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर स्मरण, उनकी सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत ने चीन के हांगझोऊ में जारी एशियन गेम 2023 में पदकों के मामले में अर्धशतक पूरा कर लिया है। आयोजन के 9वें दिन भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए। भारत की ओर से संजना बथुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु और आरती कस्तूरी राज की टीम ने महिला स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। वहीं भारत को 2रा मेडल स्केटिंग में मिला है। आर्यन पाल, आनंद कुमार, सिद्धांत और विक्रम की जोड़ी ने मेंस स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया और ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। इस तरह भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा की है। बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें आधुनिक अमेरिका भारत संबंधों का वास्तुकार कहा है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी, अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, राज्य के उप सचिव रिचर्ड वर्मा, राष्ट्रपति बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन, व्हाइट हाउस कार्यालय के राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक डॉक्टर राहुल गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने जयशंकर को आधुनिक अमेरिका भारत संबंधों का वास्तुकार कहा और भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने में जयशंकर की विशेष भूमिका बताई। युवाओं में खादी को एक ब्रांड की तरह पहचान दिलवाने के मकसद से खादी इंडिया IIT की शुरुआत होने जा रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल में भारत को एक रूप दिया गया है। भारत युवाओं का देश है, इसलिए नए भारत की आधुनिक खादी थीम पर युवाओं को फोकस करते हुए खादी इंडिया ने IIT दिल्ली में आउटलेट खोलकर इसकी शुरुआत की है। आगे खादी इंडिया IIT दिल्ली के बाद IIT बॉम्बे समेत अन्य IIT और विश्वविद्यालय में भी खादी के आउटलेट खोलेगी। दिल्ली में ISIS के आतंकियों की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शहनवाज उर्फ शैफे उज्मा है। इसके साथ ही कुछ स्लीपर सेल भी गिरफ्तार किए गए हैं। शहनवाज उर्फ शैफी मोस्ट वांटेड आतंकी है। आतंकी शहनवाज पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यह पूरे ISIS केस में वांटेड था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस 3 इनामी आतंकियों मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ शैफी उज्मा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज शैख की तलाश कर रही थी।